हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं संस्कृत का, वो है अव्यय। इससे पहले लगभग हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं ग्रामर सेक्शन के, तो जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के बाकी टॉपिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस टॉपिक में हम जो मैंने बताया कि अव्यय कवर करने वाले हैं। अव्यय देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको रिक्त स्थान में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान में कुछ शब्द दिए हुए हैं वो भरने हैं। वो शब्द भी आपको एक बॉक्स में मिल जाएंगे। सीधा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर लेकर के चलता हूँ, और जितने क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बस इन्हीं क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है। अगर इनको आप प्रिपेयर कर लेते तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और ये देखो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएंगे। इसको जरा मैं ठीक कर लूँ, रोटेशन हो गया है, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें मेरे को करने पड़ेंगे, तो देखते रहिए आप स्क्रीन पर। तो देखते हैं इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में। और पहला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको देखो सिंपल ऊपर पांच शब्द दिए हुए, पांच शब्दों को आपने नीचे शब्दों में भरना, नीचे जो आपको वाक्य दिए हैं यहाँ पे भरना। देखो पहला आपका कदा कुतः इति मा यावत, ठीक है। आप क्या करना है, कोशिश करना है इन शब्दों की हिंदी, जो आपको यहाँ ऊपर शब्द दिए हुए जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा 15-20 शब्द हैं टोटल, इन शब्दों का आपने हिंदी में समझ लेना है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है हिंदी में, ठीक है। कुंभम करोति कुंभकारा, ठीक है। अब कुंभकार आपका क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल आपने क्या भर देना है, यहाँ पे आ जाएगा इति, ठीक है। पहले वाले में क्या आ जाएगा इति। आपने अगर मान लो शब्द का अर्थ भी नहीं निकालते हो तो मेन जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ यही प्रिपेयर करके जाओ, इन्हीं में से आपकी ज्यादातर देखने को मिलेगी, ज्यादातर के सारे यही देखने को मिलेंगे। अगला है आपका अहम, ठीक है। अहम में आ जाएगा आपका कदा, ठीक है। अहम मतलब मैं, कदा मतलब कब, आगच्छम, ठीक है। अगला है आपका अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ तावत तुम पठ, जब मैं लिखता हूँ तब तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यावत, ठीक है। यावत तावत देखो उसका मिलता जुलता है, तो इतना तो आप आराम से बना करके लिख सकते हैं। अगला है आपका घा नंबर, घा नंबर में आपका देखो बचा कुतः और माह, ठीक है। अब देखो कुतः कहाँ आएगा और माह कहाँ आएगा, ठीक है। तो असत्य माह आपका इस जगह आ जाएगा, त्वया कुतः आयात, कुतः आ जाएगा, कुतः मतलब कहाँ, ठीक है, कुतः मतलब कहाँ हो जाएगा। तो ये आपका देखो कंप्लीट हो गया, इतना आराम से इसमें देखो आप भर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, खाली थोड़ा सा मतलब इसमें समझना ही है कि वो क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदी में समझ आ जा रहा है कि हाँ इस लाइन में ये मतलब है, तो आप ऊपर दिए शब्दों को आराम से भर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला भी देखो आपका लगभग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखो पहले वाले में आ जाएगा सहसा, यानी सहसा आ जाएगा सहसा कार्य ना करणीयम, फिर है वृक्षेषु वानरः कूर्दन्ति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उच्चे इनका अर्थ आप निकाल लोगे तो आराम से इसको भर सकते हो। स्वा मतलब क्या होता है, आने वाला कल, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा इत स्तता, ठीक है। क्या आ जाएगा इत स्तता, ठीक है। इसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कुछ क्लियर करना है, बस मेन जो आपको दे रहा हूँ इनको याद कर दिया। मम भ्राता आगिष्यामि, अब मम भ्राता कहाँ, स्वाहा, स्वा मतलब कल आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला देखो आपका, अगला है नंबर कौन सा, चार, घा नंबर है आपका दशरथो नाम राजा बभू, ठीक है। दशरथो नाम राजा बभू, अब इसका क्या आ जाएगा पूरा या सहसा, तो इसमें बच्चों क्या आ जाएगा पूरा, ठीक है। याद कर लीजिए सिंपल, जब दशरथ शब्द आ जाएगा तो उसके सामने आपने क्या लगा देना पूरा। फिर अगला है वने सिंहा गर्जंती, अब गर्जंते क्या उच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वने सिंगा उच्चे गर्जंती, आप एक बार इसको देख लोगे तो बहुत आराम से इसको आप याद रख पाएंगे, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, चलते हैं आपके अगले। देखो जितने दिखा रहा हूँ बस इन्हीं को आपने प्रिपेयर करके जाना है, बाकी बस यहीं तक आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको नीचे रिक्त स्थान दिखा देता हूँ, रिक्त स्थान मतलब जो शब्द आपको भरने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किम कदा परिता अन्यथा अथा अथ यदा सहसा तत्र पुरा, ये शब्द आपने यहाँ पर फिल करने हैं, भरने हैं। तो फटाफट मैं इनके आंसर बताते जाता हूँ, बाकी इनके सब आप मेन है कि सेंटेंस याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लो और समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या आएगा। पहला देखो बालिके, ठीक है। तो बालिके यहाँ पे आ जाएगा आपका किम, ठीक है, जानसी, ये सारे शब्द आपको नीचे दिए गए, उन्हीं शब्दों को उठा करके आपने भरना है, बस इंपॉर्टेंट यही है, तो इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगला है अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, अब फिर देखो गमिष्यामि जाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वाहा, ठीक है, यानी कल। विद्यालय उद्यानम वर्तते, तो यहाँ पे आपको नीचे शब्द दे रखा है एक परिता, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपका परिता, ठीक है, परिता। अगला है आपका परिश्रम, परिश्रमम कुरु अनुत्तीर्ण भविष्यसि, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अन्यथा, मतलब मेहनत करो अन्यथा नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे,
ठीक है, अगला है त्वम नाटकम दृष्टम गमिष्यामि, अब फिर यहाँ पे आ जाएगा कदा, यानी तुम नाटक देखने कब जाओगे। फिर चार नंबर आपका राम रामायण कथा आरभ्यते, तो मतलब रामायण कथा आरभ्यते यानी शुरू हो गई है, या तो चार नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अथ, अथ मतलब अब हो जाएगा, ठीक है, अथ रामायण कथम आरभ्यते। फिर अगला है अशोक राजा आसित, अशोक राजा आसित तो यहाँ पे आ जाएगा पुरहा, ठीक है, पुरहा अशोक राजा आसित। फिर आपका जहां नंबर निर्णय ना करनिया, निर्णय ना करनी है, इसका आ जाएगा सहसा, ठीक है। बस ये शब्द एक बार अच्छे से देख लो, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, और इसकी बैटरी थोड़ी लो हो गई है, इस वजह से आपको सामने ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सहसा, ठीक है। अगला देखते हैं, उसके बाद है जहां नंबर आप देख रहे हैं, जहां है आपका यत्र पुस्तकालय और तत्र पाठ का, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तत्र, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, ऊपर वाले आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको मैं करता हूँ रिज। नेक्स्ट आपका जो बचा है आपका लास्ट, अहम आगमिष्यामि तदा सा आगश्यामि, आगश्यामि थी, ठीक है, आगमिष्यति, तो लास्ट है आपका नंबर, यहाँ पे आ जाएगा यदा, ठीक है। अब नीचे मैं आपको शब्द भी दिखा देता हूँ, जो जो शब्द आपको इसमें दिए हुए थे, आप एक बार खुद से आप इनकी प्रैक्टिस करना, देखो किम कदा परिता अन्यथा अथ यथा यदा सहसा तत्र पुरा, ठीक है, तो इतने शब्दों को आपने बस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप इतने प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स संस्कृत में बन जाएंगे, तो सभी को बेस्ट विशेष है, इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। लगभग सारे टॉपिक कवर करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।